यही वो आश्रम है जो अंग्रेजों के टाइम का है। काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो ऐसी सुनसानी हो रही है ना और जंगल के बीच में है, तो दिखाती हूँ आपको अच्छे से। डर भी लग रहा है, वैसे डर तो क्या लगता है, पति दिए मेरे साथ मेरे। तो गाइस ये वो आश्रम है जिसको देखने के लिए हम इतने ऊपर आए हैं। जो ये चर्च था तो यहाँ पे हमने एक अंकल थे, वो भी फॉरेनर थे, तो उनसे हमने पूछा कि मतलब इसकी थोड़ी बहुत स्टोरी पूछी थी, तो उन्होंने बताया था कि इसकी स्थापना 1930 में हुई थी और अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी ये। और तो गाइस उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जैसे समर कैंप विंटर कैंप लगते रहते हैं, समर कैंप में दो सेशन लगते हैं, एक इंग्लिश और हिंदी क्लासेस चलती हैं और विंटर में सिर्फ इंग्लिश चलती है, और वो जो इंग्लिश और हिंदी वाली चलती हैं समर की, वो चलती हैं यहाँ पे मई और जून में, 15-15 दिन की होती हैं, और जो विंटर में होती है वो अक्टूबर में चलती हैं 15 दिन की। और बाकी जो बाहर से यहाँ पे लोग आते हैं रहने के लिए, तो उनके स्टे करने के लिए भी यहाँ पे मतलब है, और वो है मतलब पर पर्सन 500 रुपीज़ है और पर डे का 500। तो गाइस अब हम निकलते हैं आश्रम से नीचे सातताल की ओर, और यहाँ से निकलते हैं भीमताल को, और आपको सीधे मिलते हैं भीमताल में ही, क्योंकि फोन में रिचार्ज मतलब चार्ज भी बहुत कम बचा है, तो आपको पूरा ब्लॉग भी दिखाना है अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे काफल भी लगे बहुत सारा, लेकिन सारे कच्चे हैं यार, क्या कर सकते हैं, किस्मत ही नहीं है काफल खाने की खुद के हाथों से तोड़ के। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम भीमताल, और अब यहाँ से हम जा रहे हैं नौकुचिया ताल को, क्योंकि भीमताल का व्यू मैंने आपको दिखा दिया है। ओए कहाँ जा रहे हैं, तो मेरे जस्ट पीछे है एक्वेरियम कैफे, और यहाँ का जाने का टिकट है 100 रुपये, और ये है ताल के बीच में। तो गाइस आप सब सोच रहे होंगे कि हम इतने सारे तालों में तो चले गए लेकिन बोटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना, बीच बीच में बारिश आती रह रही है, तो हम बोटिंग कर नहीं पा रहे। कल भी हमारा ऐसे ही हो गया था, खाली पैसे वेस्ट हो जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज बोटिंग नहीं करते, मौसम देख के बोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हम नौकुचिया ताल को जा रहे थे, और हम इतना बुरा फंसे ना, पूरे भीग गए हैं, बैग वगैरह हमने कैमरा खराब होगा करके हमने रख दिया डिग्गी के अंदर स्कूटी की, और हम रुके हैं यहाँ पे। अब यार पूरा मुँह धुल गया दोबारा से, पूरी क्रीम निकल गई। तो गाइस आपको यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही होगी, और ये है भक्ति धाम मंदिर जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर अभी हम जा नहीं पा रहे अंदर क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई ना, हम बारिश में ही फंस गए हैं बहुत ज़्यादा। गाइस बारिश में तो फंस ही गए हैं, तो थोड़ा गोलगप्पे वगैरह भी खा लेते हैं, भीग तो गए अच्छे से, हमारे घूमने का कचड़ा हो गया अच्छे से आज। कमलताल है, कहाँ है कमलताल, इधर। तो फाइनली पहुंच गए हम नौकुचिया ताल भीगते भीगते, और इससे पीछे साइड पे है कमल ताल, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो गाइस नौकुचिया ताल भी देख लिया आज हमने, मतलब ऐसा था कि किताबों में फोटो वगैरह में ऐसे दिखा था, तो अपनी आंखों से देखना था एक बार, क्योंकि हर जगह पे तो बोटिंग 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 ही है, तो बोटिंग तो कहीं भी कर सकते हैं, मौसम भी ऐसा है तो ऐसे मौसम में सही नहीं है, क्योंकि हमारे कल भी पैसे वेस्ट हुए थे, तो मैं नहीं चाहती कि आज भी हमारे पैसे वेस्ट हो, क्योंकि रोज़ रोज रेट बढ़ते जा रहा है, कभी 300 कभी 400 कभी 600 तक बोट का रेट बढ़ जा रहा है दो लोगों का, वो भी तो बोटिंग नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे। तो यह है कमलताल, नौकुचिया ताल के बगल में ही है कमलताल, देखो काफी ज्यादा कमल लगे यहाँ पे, कमल के फूल, वाव, अभी तो ये खिले नहीं है लेकिन बाद में जब खिलेंगे ना बहुत प्यारे लगेंगे। तो दोस्तों आप रोड देखो कितनी ज्यादा साफ लग रही है अभी, क्योंकि बारिश हुई ना, तो काफी ज्यादा सही लग रही है, रोड के किनारे देखो पर्पल कलर के प्लांट्स लगे हैं जो काफी ज्यादा मतलब तगड़े लग रहे हैं यहाँ से, और ये रही नौकुचिया ताल।
ये बताना भूल गई थी कि जो नौकुचिया ताल है वो है उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल और इसके नौ कोने हैं, इसलिए इसको नौकुचिया ताल कहा जाता है। नौ आगे में समझ आ रहा होगा आपको, नौ कहने से लग रहा है कि नौ कोने होंगे इसके, जैसे सात ताल है सात ताल के सात कोने थे, वैसे नौकुचिया ताल के नौ कोने हैं जो एक साथ में नहीं दिखाए जाते हैं। और पुराने टाइम पर ये कहते थे कि जो नौकुचिया ताल के नौ कोने अगर उन सबको एक पांव में खड़े होकर अगर देखा जाए तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ये देखना असंभव है ना कि नौ कोने तो एक साथ दिख नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी है। तो नौकुचिया ताल से हम आगे को निकले भीमताल भवाली होते हुए हम जाएंगे नैनीताल और बीच में हमें खाना भी खाने कहीं पर अच्छा सा मिल गया कुछ तो खा लेंगे। और अगर कुछ दिखाने लायक होगा, कुछ व्यू वगैरह शेयर करने लायक होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बाकी अगर ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं तो सीधे हम आपको मिलेंगे नैनीताल पहुंच के। तो फिलहाल हम खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे, इन्होंने तो बिरयानी खा ली है और अभी मेरे खाना खाने के लिए रुके हैं और हम रुके हैं अभी हमिंग बर्ड द टेस्ट ऑफ नेचर पे। और यहाँ से पीछे का व्यू देखो, ग्राफिक एरा वगैरह का भी दिख रहा है, यहाँ से दिखाती हूँ अच्छे से आपको व्यू वगैरह का। एक ही दिन में पांच ताल के नजारे दिखा दिए सुंदर सुंदर, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं छठी ताल जो कि है बची हुई हमारी नैनीताल। वैसे गए तो हम नैनीताल से थे लेकिन हम सुबह दिखा नहीं पाए थे अच्छे से, तो एक बार और दिखा देते हैं आपको। सुबह इस फिलहाल हम जा रहे हैं भोटिया मार्केट को और उस टाइम पे मैं नैनीताल पहुँच के आपको वीडियो आगे दिखा नहीं पाई थी क्योंकि हम थोड़ा जाम में फंस गए थे और उसके बाद स्कूटी जमा करने का टाइम हो गया था तो मैं आपको वीडियो दिखा नहीं पाई। बाकी अभी निकल रहे हैं भोटिया मार्केट को और वहाँ जाके दिखाती हूँ आपको व्यू वगैरह। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हम भोटिया मार्केट। तो अभी भोटिया मार्केट में 9 बज रखा है, देखो रात के 9 बजे हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सो गाइस भोटिया मार्केट में पहुँचते हैं हमें, यहाँ पे दिख रही है कुमाऊनी शादी जिसमें छलिया वगैरह डांस करें, मेरा फेस आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट मैं आपको दिखाती हूँ कुमाऊनी शादी। भोटिया मार्केट पूरा आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, ये रहा पूरा भोटिया मार्केट। भाग सुबह फिलहाल हमने भोटिया मार्केट से शर्ट और बेल्ट वगैरह ले लिए, टी शर्ट मतलब शर्ट तो मैंने ली थी वही मेन मार्केट से उधर से, और फिलहाल अभी परफ्यूम वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे। भैया 700 से स्टार्ट, सस्ते नहीं हो गए? व्लॉग आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।